चलिए शुरू करते हैं साइंस। ठीक, साइंस जो हम पढ़ते हैं, साइंस में हमें क्या पता चलता है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट को कितना ज्यादा डीपली या हम उसे किस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक यूपी पुलिस का एग्जाम है या एसएससी का एग्जाम है, तो उसमें हमें साइंस पढ़ने की जरूरत क्या है? भाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम अपने भारत के बारे में और वर्ल्ड के बारे में जान सकें कि उनका ज्योग्राफिकल एरिया कैसा है और हिस्ट्री कैसी रही। राइट, हिस्ट्री का तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि भाई जो गलतियां पहले हुई या जो अच्छे काम पहले हुए उनसे हम सीख के अपने आप को क्या करें, डेवलप करें। साइंस का क्या काम है कि भाई जो भी साइंस की फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, एक तो उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। राइट, दूसरा एनवायरमेंट में जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती हैं वो सब रिलेट करता है किससे, साइंस के साथ। इसीलिए जीएस में हमें साइंस का पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, तो साइंस के हमारे होते हैं तीन पार्ट, ये तो कॉमन सी बात है, सभी को पता है। कौन कौन सा? बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बायो जो हमारी लाइफ के बारे में बताती है, फिजिक्स जो हमें कॉन्सेप्ट देती है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें ग्रेविटी है, राइट, मोशन है हर एक चीज का, चाहे वो लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, सब चीज का क्या है, मोशन होता है। तो उस मोशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में, फिजिकल अपीयरेंस जितना भी होता है उसके बारे में कौन बताता है? फिजिक्स बताती है। बात आती है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री हमें बताती है इनकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब कोई भी हमारा पदार्थ हो गया, वो पदार्थ हमारा बना कैसे है, मेड अप ऑफ क्या है उसका, है ना, उसमें कितने अणु हैं, उसमें कितने परमाणु हैं, अणु में कौन से हैं, कौन सा चार्ज इस पे काम कर रहा है, क्यों वो अणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राइट, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें कौन बताता है? केमिस्ट्री बताती है ना, एक दूसरे से पूरा रिलेटेबल होता है। राइट, अगर एक हम एग्जाम्पल ले लें कि अगर कोई फ्रूट है हमारे पास, तो हमें बायो बताती है कि फ्रूट जो है वो बना कैसे है ना, उस फ्रूट को ही न्यूटन के साथ जोड़ दीजिए, गिर गया तो उसने बता दिया ये मोशन है, ग्रेविटी है। राइट, अब केमिस्ट्री हमें ये बताती है कि ये चीज है खाने लायक है या फिर नहीं है, इसमें क्या क्या एलिमेंट इसमें है। राइट, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, साइंस का। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे हमने कहा बायो है, लाइफ के बारे में बात हो रही है। ठीक, सबका अपना एक रीजन होता है। अब लाइफ आपने देखा होगा दोनों तरफ होती है, एक प्लांट में भी होती है और दूसरा ह्यूमन, जिसको हम क्या कहते हैं, एनिमल, दोनों में होती है। तो इसलिए प्लांट हो गया उसको हमने बोटनी कह दिया और जो एनिमल का हो गया उसको हमने जूलॉजी कह दिया। ठीक है, बोटनी मतलब पादप विज्ञान और जूलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि बायो रिलेट कर गया पूरा दोनों के साथ, प्लांट और एनिमल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो किसी ने तो ये बात कही होगी कि भाई इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किसने इसका कॉन्सेप्ट दिया। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा, इसमें एक नाम आता है अरस्तु। ठीक है, तो अरस्तु ने ही साइंस का कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने बताया था बायोलॉजी, लाइफ होती है प्लांट के अंदर, लाइफ होती है एनिमल्स के अंदर, लाइफ होती है कैसे, उसमें जो उनकी पूरा का पूरा एक हमारी जो बॉडी है वो काम करती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बायो का, अरस्तु ने दिया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी को जब भी हम पढ़ेंगे हमेशा दो पार्ट में पढ़ते हैं, प्लांट और एनिमल, बॉटनी और जूलॉजी, जब दोनों मिक्स हो गए तो एक क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स है ही केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है ही। तो केमिस्ट्री को भी अगर हम कहेंगे तो ये भी फर्दर हमारा टूट जाती है, जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं बेसिकली उनके लिए ये यूज होती है कि एक होती है ऑर्गेनिक और एक होती है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जहां पे कार्बन प्रेजेंट है और इनऑर्गेनिक का मतलब है जहां पे कार्बन एबसेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे कार्बन एब्सेंट है।
ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आपने सुना भी होगा कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक, जैसे कलर अभी होली आ रही है ना, तो बहुत सारे दुकान वाले क्या करते हैं कि ये ऑर्गेनिक कलर्स हैं, और ये कैसे हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कलर क्या हो गए, जो आपकी बॉडी पे लगने के बाद आपको रैश ना करे या आपको कोई हार्म ना करे। तो एक ऐसा एलिमेंट कार्बन ही होता है, राइट। इसीलिए हमने जब पूरा कार्बन पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, और कार्बन से हटके चीजों को पढ़ते हैं तो वो इनऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, हमें केवल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, यहां तक हमें ज्यादा नहीं जाना है। ठीक, चलिए। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट में से जो हम शुरू करेंगे वो होगा हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। चलिए, केमिस्ट्री इसको कहते हैं रसायन विज्ञान, है ना। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का क्या मतलब होता है कि जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो छोटी से छोटी हो चाहे वो बड़ी से बड़ी हो, उन सभी चीजें किससे, एक हमारे एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब जैसे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो क्या जो केमिस्ट्री है उसमें भी एक बेसिक यूनिट आती है। ठीक है, बेसिक यूनिट आती है, और उस बेसिक यूनिट का नाम क्या होता है, परमाणु। ठीक है, उस बेसिक यूनिट का नाम क्या होता है, परमाणु, एटम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये सिंगल यूनिट है। जैसे पूरी एक ह्यूमन बॉडी बन गई तो उसकी सिंगल यूनिट क्या हो गई, सेल, है ना। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में कोई भी एलिमेंट बना तो उसकी सिंगल यूनिट क्या हो गई, एटम, परमाणु। ठीक है, अब ये परमाणु क्या है, परमाणु की अगर हम बात करेंगे तो ये एक इतना सूक्ष्म है कि जो ना तो हमें दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा। कैसे नहीं दिखाई देगा, जो हमारी आईज होती है, जो हमारी नॉर्मल आईज होती है, इनको हम कहते हैं नेकेड आईज, नग्न आंखें। क्यों, क्योंकि ना तो इन आंखों में लेंस है, लेंस है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो एक पैरामीटर चाहिए होता है हमें एटम को देखने के लिए, वो वाला लेंस नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन आंखों को क्या कहा हमने, नेकेड आईज कहा, नग्न आंखें कहा। तो इनको हम अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि अब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये तोड़ने की बात कहां से आ गई, तोड़ने की बात ऐसे आ गई कि जैसे मान लो हमारे पास आयरन है, आयरन का एक क्या है, हमारे पास एक शीट है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक आयरन शीट हो गई, हमें पता है कि ये किसकी है, लोहे की है। हमने क्या किया, इसको बिल्कुल पिघलाना शुरू किया तो ये मेल्ट हो गई, टूट गई मतलब, राइट। टूटने के बाद जब ये मेल्ट हो गई है, हमने इसको और हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया, राइट। हम इसको जब तक मेल्ट करते गए जब तक कि ये अपने बिल्कुल एक, इसका जो एटम है वो एक एक एटम क्या नहीं हो गया, अलग नहीं हो गया। ये तो एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे हमने वाटर पढ़ा है ना, तो हमने वाटर को कहा कि ये क्या है, H2O है ना। अब ये एक क्या है, पदार्थ है, ये पूरा एक क्या हो गया, पदार्थ हो गया। हमने इसको बॉईल करना शुरू किया, उबालना शुरू किया, तो जैसे ही उबाला तो इसका हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, राइट। हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। अब ये अलग अलग एक एक किस में आ गए, ये अलग अलग एटम में टूट गए, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, राइट। बॉईल करने के बाद हमने वापस से इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आए तो ये मॉइस्ट के रूप में आके फिर से क्या बन गया, पानी बन गया, राइट। तो ये H2O तो इसका कंपोजिशन हो गया, और कंपोजिशन को जब हमने एक हाई टेम्परेचर पे गर्म किया तो वो गैस बन के क्या हो गया, उड़ गया। उड़ने का क्या मतलब है कि अब ये अलग अलग एटम हो गए, इसके अलग अलग एटम एनवायरमेंट में फैल गए। तो क्या अब आपको इसमें दिखाई देंगे, बॉइल करने के बाद कहीं पे आपने देखा हो कि पानी बॉइल हो रहा है और उधर से हाइड्रोजन कह रहा है अच्छा तो चल रहे हैं अब बाय बाय, ऐसा तो नहीं ना, कहीं जा रहा है हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, आप नहीं देख सकते उस चीज को। अब इससे नीचे इसको तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन से नीचे नहीं तोड़ सकते, राइट। अब ये सीधा किसमें चला गया, एक टेबल होती है जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल, अब ये उसका सबसे पहला एलिमेंट बन के रह गया, जब वापस से जोड़ देंगे तो फिर वॉटर में आ जाएगा। समझ आ गई इतनी चीज,
ठीक है, तो ये होता है क्या, एटम, ये क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, देखिए चलिए इसको लिखेंगे। चलिए ये तो बात हुई किसकी, परमाणु की। हमने ये एग्जाम्पल भी बता दिया कि कैसे ये परमाणु अलग अलग हो जाते हैं। अब सीधी सी बात है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये परमाणु जुड़ रहे हैं, परमाणु जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, यही तो कह रहे हैं बार बार। अब वो जुड़ने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो बात आती है कि इस एटम का तीन मूल कण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, तीन मूल कण मिलते हैं, बेसिक जो आ जाते हैं इनके, भाई ये किस वजह से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन मूल कण कौन से होते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, मैंने इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लगाया है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव लगाया है और न्यूट्रॉन पे मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन कैसा रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है उसको हमने क्या कहा, न्यूट्रॉन कहा। अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ मिल रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्रोटॉन के साथ मिल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर अकेला है तो ये फिर कैसा है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये परमाणु के तीन मूल कण माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन ठीक है, और न्यूट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव और इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये तीन मूल कण किसके हो गए, परमाणु के हो गए। ठीक है जी, ठीक है, अब यही तीनों चीजें क्या बताती हैं कि इनके फिजिकल फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ठीक है, यानी कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा है और उसका अंदर जितना भी मटेरियल है वो कैसे जुड़ा हुआ है। राइट, अब अंदर जुड़ने का फिजिकल का तो हमें समझ में आ गया कि बहुत सारे एटम ने मिलके वाटर बना दिया, है ना, H2O ने मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया। ठीक है, अब ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि पानी है, लेकिन क्या हमें पानी के अंदर ये दिखाई देता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर हम इसको स्टडी आउट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए हम केमिकल में जाते हैं, फिर केमिकल में क्या होगा कि हम इसे एक्सपेरिमेंटेड करते हैं, कैसे, हमने इसको बॉइल करना शुरू किया तो इसमें सीधी सी बात है जो इसमें भाप बनी होगी वो बाहर आना शुरू होगी, जैसे ही वो बाहर आना शुरू होगी अब ये भी पता करना है कि हाइड्रोजन ही है क्या, तो हम पहले चेक करेंगे कि हाइड्रोजन जो है अगर उसे हम आग के सामने लेकर आते हैं तो वो पॉप साउंड क्रिएट करती है, मतलब ऐसे पॉप बोलेगी, जब उसमें आग को उसके बाद टच कराया जाएगा तो वो क्या करेगी, पॉप ऐसे साउंड आता है उसमें, तो हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हमने यही एक्सपेरिमेंट किया कि हमने उसको पानी को बॉइल किया, जैसे जैसे वहां से वो एटम्स जो है बाहर आते रहे, जैसे ही जो आग के पास आके टकराते रहे वो पॉप साउंड क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, ऑक्सीजन का कैसे पता चलता है कि अगर इसको कलेक्ट करते हैं तो ये ठंडी गैस मानी जाती है, ये हेल्प करती है आग को जलाने में। ठीक है, इसीलिए कभी भी हम जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें कभी भी ऑक्सीजन नहीं होती है। राइट, उसमें क्या होती है, CO2 भरी हुई होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट गैस होती है, गर्म गैस होती है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा दाब देती है और आग को बुझा देती है। ऑक्सीजन अगर आप देना शुरू कर दोगे तो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, तो इसीलिए उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इसमें ऑक्सीजन है, तब हमने जाके बताया कि वाटर हमारे दो एलिमेंट से मिलके बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही जो इनके चार्जेस होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी वजह से, तो उसका फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन ही बताते हैं, कौन इसके तीनों मूल कण किसके, परमाणु के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतनी चीज क्लियर है, लिखिए, इतनी चीज क्लियर है, रफ कर दो। हाँ, अब देखो,
जैसे हम कोई भी यूनिट पढ़ते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर आता है ना। भाई हमने H2O ही कहा है, तो H2O में सीधी सी बात है कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से H2O बना, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक एटम का अपना एक शेल होता है, ये उसका नाभिक हो गया और इसके चारों तरफ उनका क्या रहता है, अपना शेल रहता है, और ये शेल दिखाता है इनके एनर्जी लेवल को। ये शेल क्या दिखाता है, इनके एनर्जी लेवल को दिखाता है। ये क्या हो गया, नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक, नाभिक कहते हैं इसको। ये हमारा क्या हो गया, इसे बना लेना नाभिक। और ये सारी क्या हो गई, ये सब होती है शेल्स, ठीक है, ये सब क्या होती है, शेल्स होती है, ठीक। नाभिक एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये किसी भी एटम का या किसी भी सेल का एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पे सारा काम एक्सेस होता है, इसके बिना ये कुछ नहीं, राइट। ये इसका सारा क्या होता है, एक्सेस पॉइंट होता है। ये सारी क्या होती है, इसकी शेल्स होती है, यानी कि जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटोन क्या रहेंगे, घूमेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी लेवल। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा बाहर की तरफ होगा, जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी कम होगी वो उतना ज्यादा नाभिक के पास होगा, ठीक है। तो इनके नाम दे दिए जाते हैं KLMN, ये नाम इनके क्लासेस के दे दिए जाते हैं। अब मान लो कि किसी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वो इसमें रहेगा, इससे कम एनर्जी वाला यहां रहेगा, उससे कम वाला यहां रहेगा और सबसे कम वाला यहां रहेगा। ये रिवॉल्व करते रहते हैं अपनी अपनी शेल के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे अब सपोज ये तो हो गए कि भाई क्या ये यहाँ पे रिमेन रहेंगे, नहीं, जैसे जैसे इनका एनर्जी लेवल बढ़ता या घटता है तो ये अपनी शेल को चेंज करते रहते हैं। बढ़ेगा तो अपनी शेल से एक शेल ऊपर आएंगे, घटेगा तो अपनी शेल से एक शेल नीचे आ जाते, ठीक है। अब अगर मान लो कि इसका एनर्जी लेवल बढ़ गया है तो ये तो आउटर शेल में हो गया सबसे ज्यादा, लेकिन ये इससे ज्यादा एनर्जी अभी भी इसके पास है, तो ये क्या करेगा, अब ये एलिमेंट बाहर निकल जाएगा और किसी ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा जो इसकी एनर्जी को क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, उसे रोक सके, ठीक है। तो ये इससे क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जाके मिल जाता है, ठीक है। या फिर एक का एलिमेंट का ये स्ट्रक्चर हो गया, दूसरे का एक और ऐसा ही रहेगा, ये आपस में क्या कर लेते हैं, उस एनर्जी का साझा कर लेते हैं और एक नया एलिमेंट उसे बना के दे देते हैं, ठीक है। ये बात हुई किसकी, नाभिक के शेल्स की, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, ये समझ आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज आती है कि जो हमारा एटम होता है उसकी पहचान कैसे होती है। दो चीजें आती हैं, अभी एक चीज आप नोट करिएगा, वो आपको देखनी है बस, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसे याद कर लो, है ना, लेकिन अगर उसमें 15-16 एलिमेंट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो होती है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी उसे हम कहते हैं, आपको 8th क्लास से लेके और 12th क्लास तक की किसी भी बुक में आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। आवर्त सारणी होती है, ठीक, कुछ इस तरह की होती है, ये दो आ गई हमारी इधर, फिर एक बीच में ऐसे होती है और दो इधर होती है ऐसे, ठीक है। ये हो गई दो, एक ये और ये बीच में होती है और एक आपको ऐसे नीचे मिलेगी। जब आप उसमें नंबरिंग देखेंगे ना तो एक जगह पे जाके उसकी नंबरिंग, फिर बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ रखा है उसमें, फिर जाके फिर नंबरिंग उसके स्टार्ट है, वहां तक आपको नहीं जाना है, आपने केवल 15-16 यहां तक की चीजें आपने केवल याद कर ली। ये ब्लॉक होते हैं अलग अलग, ठीक है, SPDF के नाम से होते हैं, ये S हो गया, ये P हो गया, नहीं ये D हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ऐसे ये चार ब्लॉक इसमें आ जाते हैं, ठीक है। उतना नहीं जाना आपको, केवल ये आवर्त सारणी देख लेंगे, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको पहले नंबर पे हाइड्रोजन ही मिलेगा, ठीक है, पहले नंबर पे हाइड्रोजन ही मिलेगा। अब पहला नंबर जो हो गया, क्योंकि ये पहले नंबर पे है तो ये पहला नंबर जो हो गया ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक, क्या हो गया, ये परमाणु क्रमांक हो गया। अब इसके नीचे आपको कुछ 2 point something something करके लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये होता उसका परमाणु भार। चाहे एटम कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसका अपना एक क्या होता है, वेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं, ठीक है।
तो जो हमारे किसी भी परमाणु की पहचान होती है वो उसके क्रमांक से और उसके भार से होती है, जो किसमें मिलता है, हमें पीरियोडिक टेबल में मिलता है। ठीक है, क्रमांक दिया जाता है किसके बेस पे, कि भाई उसमें पहले पहले कौन सी चीजें हमें मिलती गई और हम उन्हें क्या करते गए, पीरियोडिक टेबल में एडजस्ट करते गए। ठीक है, ये काफी डीप चली जाती है, पीरियोडिक टेबल आपने नहीं पढ़नी है पूरी, वो आपके अभी काम की नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने क्या देखना है कि अगर हाइड्रोजन है पहले नंबर पर है तो परमाणु क्रमांक उसका क्या हो गया, एक हो गया, और उसका परमाणु भार कितना हो जाता है, टू पॉइंट में चला जाता है, वन पॉइंट में होगा 999 करके, तो उसे दो ही मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बेस पर हमने बता दिया कि एटम हमारा है कैसा, उसकी पहचान हो जाती है। दूसरा चीज आती है कि उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी एटम पे चार्ज जो हम देते हैं वो किस वजह से दे रहे हैं। दो कारण होते हैं, पहला कारण होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, या फिर अगर वो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रल हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो जो हमारा एटम होगा वो कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी कि वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन भी बराबर है और प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो वो हमारा कैसा हो जाता है, वो न्यूट्रॉन कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, जिसपे कोई चार्ज काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, एक थीसिस हम जानते हैं, जैसे आपने देखा होगा चुंबक होती है, चुंबक क्या करती है, हमेशा ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करती है। ऐसे ही ये होते हैं कि हमेशा पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेगेटिव की तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तभी एक आपका एटम क्या होता है, पूरा कंप्लीट करता है। ठीक, और अगर ये दोनों ही बराबर हो गए, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो फिर वो एलिमेंट कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, इन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए।